taken by females. These are taken by female, which will not allow the ova to release. जो ओवा रिलीज ही नहीं होगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं. तो जैसे बहुत सारे ओरल पिल्स आते हैं, जैसे माला डी है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ सेंटर्स में मिलते हैं. तो ये जो पिल्स होते हैं, इनको लेने के बाद क्या होता है, ये ओवा के प्रोडक्शन को रोक देते हैं. तो जब तक ये पिल्स लेते रहेंगे फीमेल्स, तो ओवा का प्रोडक्शन नहीं होगा. जब ओवा का प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के कोई चांस होते ही नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं फिजिकल और केमिकल मेथड के थ्रू. ये समझ में आ गया. एक इसी में एक इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, एक इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसे हम कहते हैं IUCD. IUCD, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे रहता है, पूछा जाता है फुल फॉर्म क्या होता है. IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. इंट्रा मतलब विदिन और इंटर मतलब बिटवीन. तो इंट्रा मतलब विदिन. तो यूट्रस के अंदर एक ऐसा डिवाइस सेट कर दिया जाता है जिससे स्पर्म जो होता है वो कभी भी ओवा तक नहीं पहुंच पाता है. ठीक है, क्योंकि ओवा मोटाइल होता है तो उसका जो स्पर्म होता है वही तो मूव करता है, इस कारण से वो मूव करता है. यदि स्पर्म के जो मोटिलिटी रेट उसे घटा दें तो इतना कम हो जाए उसकी मोबिलिटी कि वो कभी फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाए. फेलोपियन ट्यूब पे नहीं पहुंचेगा तो क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? नहीं. तो ये जो डिवाइस होता है ये उसी पे बेस्ड होता है. और इसका एक एग्जांपल है कॉपर टी. ये टी के शेप का होता है और इसे सर्विक्स और वेजाइना के जंक्शन पे फिक्स कर दिया जाता है. और जैसे ही एक स्पर्म कॉपर आयन के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसकी मोबिलिटी रेट वो रिड्यूस हो जाता है और वो कभी भी फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाता है. जब वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा ही नहीं तो क्या होगा, वो कभी भी फर्टिलाइजेशन क्रॉस नहीं करेगा. ठीक है, इसके अलावा एक सर्जिकल मेथड होता है. नेक्स्ट क्या है? सर्जिकल मेथड. तो आपको यहां पे अब ये समझ में आना चाहिए कि सर्जिकल मेथड क्या होता है. सर्जरी. तो ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के अंदर होता है. एक बार बताओ, मेल के अंदर एक डक्ट था, स्पर्म डक्ट. यदि इस स्पर्म डक्ट को कट कर दिया जाए और उसके दोनों एंड को टाई कर दिया जाए तो क्या स्पर्म कभी भी बाहर आ पाएगा? नहीं. जब स्पर्म बाहर ही नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन के चांस ही नहीं है. तो मेल के अंदर जो स्पर्म डक्ट कट करने का प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं वैसेक्टोमी. इसको याद करने का तरीका समझो. इस मेथड को वैसेक्टोमी कहते हैं. फीमेल के अंदर जो होता है उसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी. फिलोपियन ट्यूब, ट्यूबेक्टोमी. वास्ट डिफरेंस, वैसेक्टोमी. वास डिफरेंस कभी भी फीमेल में नहीं होता है, मेल में होता है, जिसे हमें स्पर्म डक्ट भी कहते हैं. तो उसे कट करेंगे तो वैसेक्टोमी, और फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब होता है उसे कट करके टाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी. जैसे मान लीजिए फीमेल्स के अंदर ये यूट्रस होता है, ये फेलोपियन ट्यूब होता है. यदि मैं फेलोपियन ट्यूब को यहां से कट करूं और इस वाले एंड को यहां पे बांध दूं, इस वाले एंड को यहां बांध दूं, तो कभी भी ओवा यूट्रस तक पहुंच पाएगा? नहीं. तो इसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी. जो सबसे इफेक्टिव मेथड है वो सर्जिकल मेथड है. तो वैसेक्टोमी में क्या किया, एक कट, ए स्मॉल पार्ट कर लो, ए स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट इज कट एंड टाइड प्रॉपरली.
properly so that the sperm cannot come out. So that method will be called as what? Vasectomy. When a small cut is given in the fallopian tube and the both ends are tied properly, so that method will be called as what? Tubectomy. ठीक है, ये सबसे इफेक्टिव मेथड्स हैं जिससे हम प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो ये वो मेथड जिससे हम प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो सर्जिकल मेथड क्या होता है और फिजिकल एंड केमिकल मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी क्या होता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो ये देख लीजिएगा, इसके बाद कुछ पोर्शन में बच गया वो मैं कल कंप्लीट कर दूंगा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है.